दोस्तों, जैसा कि आप जानते थे, हमारे वॉच लिस्ट में 3 स्टॉक थे। पहला था L&T, दूसरा था REC और तीसरा था हेवल्स। हेवल्स काफ़ी दिनों से था, जिसने एक अच्छा आज ब्रेकआउट दिया है और ये दोस्तों लगभग 603 तक हाई बनाया इसने। तो लगभग 18 से 20 पॉइंट की इसने एक अच्छी मूव दी है और मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है आपको कि ये एक अच्छी मूव देगा तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाना। अगर मान लीजिए कि किसी ने इसका कुछ भी थोड़ा भी प्रॉफिट बुक किया, कुछ भी नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार वॉल्यूम वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ट्रेड किस तरीके से लेना है। उसी प्रकार से दोस्तों, जो L&T और REC है, उसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी थे वो फेक थे दोनों में। अगर वो आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको क्लियर पता होगा कि किस तरीके से फेक ब्रेकआउट को हमें पहचानना है। अब दोस्तों, हमारे वॉच लिस्ट में टोटल 4 स्टॉक हो जाएंगे। पहला रहेगा L&T, दूसरा रहेगा REC। L&T और REC का बाइंग और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, तो आप पुराने वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा किस प्राइस पे बाई करना है, किन प्राइस पे सेल करना है। अब तीसरा स्टॉक हो जाएगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो दोस्तों, इसको हमें 233 के ऊपर, 233-34 के ऊपर जैसे ही निकले तो बाई करना है और सेल करना है 224 से जैसे ही नीचे आए। इसके साथ में आपको वॉल्यूम वाला वीडियो ज़रूर देखना, वॉल्यूम का पावर थंबनेल है, ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से ट्रेड लेना है। उसके बिना आप बिल्कुल भी इसमें ट्रेड ना लें कोई से भी स्टॉक में। मेरे पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर उनसे आप डायरेक्ट स्टॉक के आधार पर ट्रेड लोगे तो हमेशा आपको नुकसान ही होगा। अगर पुराने वीडियो देखें उस आधार पर अगर आप ट्रेड लोगे तो बिल्कुल आपको 101% तो नहीं, पर ये मान लीजिए कि आपको 80-85% हमेशा सही ट्रेड जाएंगे आपके। और चौथा स्टॉक है दोस्तों हमारे पास ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इसको हमें बाय करना है 438 के ऊपर और सेल करना है 428 के नीचे। कल के लिए हमारे पास टोटल 4 स्टॉक हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।